तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि शर्मा जी के बेटे अभी घायल हैं, चोटिल हैं, तो वो इंडियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं खेलेंगे। लेकिन 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 अब इसी चीज पर बहस छिड़ गई है। विराट कोहली साहब का गुस्सा सामने आ चुका है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विराट कोहली ने भी अपना जो पॉइंट था वो खुल करके रख दिया कि उनको कंफ्यूजन थी, उनको नहीं पता था, क्लियर बिल्कुल नहीं था कि रोहित शर्मा साथ होंगे या नहीं। उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो चीज दिमाग में आती है वो सबसे पहले ये है, आईपीएल अब इंडियन नेशनल टीम के खेलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे विराट कोहली को गुस्सा आया, वैसे ही हर क्रिकेट प्रेमी को गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि भैया, अगर रोहित शर्मा अनफिट थे तो चोटिल होने के बाद भी उन्होंने आईपीएल के लास्ट 3 मैचेस क्यों खेले? सिर्फ इसलिए कि अंबानी भैया को आईपीएल जिताना था। अब आप ही बताइए कि आईपीएल ज्यादा जरूरी है, अंबानी को ट्रॉफी जिताना ज्यादा जरूरी है, या फिर अपनी इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलना? चलिए, वो सब तो बाद की बात है। पहले आप ये देखिए कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर क्या बोला है। Said that he's unavailable for selection. He's picked up an injury during the IPL, and it mentioned that there's a two-week rest and rehab period. And it said that the pros and cons and the implications of the injury have been explained to him, and he understood that. So he was unavailable for selection, and that was the information we got on mail before the selection meeting. And after that, he played in the IPL, so we all thought that he's going to be on that flight to Australia. Which he wasn't, and we had no information whatsoever on the reason why he's not traveling with us. अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि कौन गलत है, विराट कोहली, बीसीसीआई, सौरव गांगुली या फिर रोहित शर्मा। इनमें से कौन गलत है आप खुद ही फैसला कर लीजिए। और हाँ, आपका जो भी फैसला हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए।